हेलो फ्रेंड्स, होप आपकी एचएस मेंस की तैयारी ठीक चल रही है. सो आई एम ब्रिंगिंग द नेक्स्ट लेक्चर इन योर जनरल स्टडीज सीरीज. किस तरह के क्वेश्चन एचएस में आते हैं जनरल स्टडीज में, और आगे आने वाली क्या ट्रेंड है? देखिए, अभी तक जो एचएस के पेपर आए हैं, जो प्रीवियस ईयर पेपर आप एनालिसिस करें, तो उसमें ब्रॉडली तीन बैंड्स में क्वेश्चन आते हैं. तीन तरह के क्वेश्चन आते हैं तीन बैंड्स में. देखिए, पहला बैंड जो है उसमें अराउंड आपको आंसर लिखना होता है 200 वर्ड्स में, ठीक है. और इसके जो अभी तक नंबर रहे हैं वो सात नंबर का क्वेश्चन आता है. सात नंबरों के अंदर आपको 200 वर्ड लिखने के लिए बोले जा रहा है, ठीक है ना. सात नंबर के अंदर 200 वर्ड लिखने के लिए बोला जा रहा है. और सेकंड टाइप के जो क्वेश्चन हैं वो या तो वो 125 वर्ड के क्वेश्चन हैं कि 125 वर्ड में लिखिए, या 100 वर्ड में, है ना. तो जनरली क्या होता है कि यहाँ पे या तो ये 100 वर्ड का होता है तो तीन नंबर का दे देते हैं वो, और 125 वर्ड में है तो चार नंबर का दे देते हैं. तो तीन या चार नंबर का क्वेश्चन आता है कि जैसे सात और तीन 10, क्योंकि मैं आपको बताता हूँ आगे कि इसका वजह क्या है. तो सेकंड टाइप ऑफ क्वेश्चन है कि 125 वर्ड में आपको लिखने के लिए बोला जा रहा है या 100 वर्ड में लिखने के लिए बोला जा रहा है. तो 125 वर्ड का है तो वो चार नंबर का है, और 100 वर्ड का है वो तीन नंबर का है, ठीक है. और जो थर्ड टाइप के क्वेश्चन हैं वो है आपके क्वेश्चन जो आपके 40 वर्ड में आपको लिखने के लिए बोला जा रहा है, 40 वर्ड्स में. तो 40 वर्ड्स में जो क्वेश्चन आपको लिखने के लिए बोला जा रहा है उसकी वेटेज है एक नंबर के, है ना. और कई क्वेश्चंस में ऐसे है कि जहां पे 50 वर्ड लिखने के लिए बोला जा रहा है आपको, और उसकी वेटेज है दो नंबर के. तो थोड़ा सा जो अगर प्रीवियस ईयर पेपर्स देखें तो उसमें ये वेरिएशंस आपको पेपरों में दिखती हैं. लेकिन तीन तरह के क्वेश्चन आपको देखते हैं. दिस इज अनलाइक यूपीएससी. तो आपको ये 40 वर्ड में छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं कि आपको जस्ट एक बेसिक इन्फॉर्मेशन देनी है 40 वर्ड्स के अंदर. तो ये डिफरेंट है. ये एक्चुअली थोड़ा सा आप लगा लीजिए कि जैसे यूपीएससी में बहुत पहले 10 साल पहले 12 साल पहले पेपर आता था, तो उस वक्त भी ऐसे क्वेश्चन यूपीएससी में आते थे कि आपको 250 वर्ड में लिखना है, फिर 125 या 150 वर्ड में लिखना है, फिर ये 50 वर्ड में लिखना है या 30 वर्ड्स में लिखना है. तो 30 वर्ड में यूपीएससी में 30 वर्ड में आता था. तो उसी तरह की ग्रेडेशन अभी भी जो हरियाणा सिविल सर्विसेज है वो मेंटेन कर रहा है, अनलाइक यूपीएससी जहाँ पे अभी सब्जेक्टिव क्वेश्चंस ज़्यादा आ रहे हैं, है ना. सब्जेक्टिव क्वेश्चंस ज़्यादा आ रहे हैं जहाँ पे. और ये आपके कॉन्फ़िगरेशन है जिसके लिए आपको, जो आपकी तैयारी आप जीएस की करोगे तो बहुत ही आपको ध्यान से करनी पड़ेगी, क्योंकि जब आप पढ़ रहे हो तो आपको याद रखना पड़ेगा कि मेरे को ऐसे टाइप भी लिखना पड़ सकता है, और उसको ट्रंकेट करके भी लिखना पड़ सकता है, और मुझे छोटे छोटे टर्म्स जो मेरे पढ़ते हुए आ रही हैं तो वो भी मुझे अलग से अपनी लिस्ट बनानी है. जैसे आप फ्रीडम स्ट्रगल पढ़ रहे हैं तो जो जो पर्सनैलिटीज़ आई तो उन पर्सनैलिटीज़ पे भी आपको लिख के रखना पड़ेगा कि हाँ, ये इस पे 40 वर्ड अगर मुझे लिखने हैं तो क्या लिखने हैं. सपोज़ कल को सुभाष चंद्र बोस आ जाए तो 40 वर्ड्स क्या लिखने हैं उस पे? क्योंकि वो इन क्वेश्चंस में देखिए स्कोप बहुत होता है नंबर लेने का, राइट. तो मैं आपको प्रैक्टिकली बताऊँगा अगले लेक्चर में कि जैसे जनरल स्टडीज़ का जो पेपर पीछे आया, अगर वो 100 नंबर का था तो 100 नंबर में से कितने इस कैटेगरी में क्वेश्चन थे, कितने इस नंबरों के थे, कितने इन नंबरों के. तो वेटेज रिलेटिव इंपॉर्टेंस पता लगेगी, रिलेटिव वेटेज पता लगेगी आपको, ठीक है. तो ये बेसिकली आपके डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चन हैं जो आपको तैयार करने हैं. अब देखिए, जो प्रीवियस ईयर्स में जो जीएस की वेटेज थी वो 100 मार्क्स की थी, ठीक है ना. लेकिन इस बार 2000, ये आपको आई थिंक होप इट इज़ क्लियर, तो मैं इसको रिमूव कर रहा हूँ. तो अब आप देखिए कि जो 2000 इस अभी जो 2022 में पेपर होने वाला है, इसमें आपकी जीएस की वेटेज 200 मार्क्स की है, जबकि इससे पहले जो थी वो 100 मार्क्स की जीएस आती थी, और उसमें कोई पार्ट वन पार्ट टू वाली क्लासिफिकेशन नहीं थी. तो अब जो पेपर आएगा आपका, उसमें क्या पॉसिबिलिटीज हैं, आप ये समझिए कि उसमें पॉसिबिलिटीज क्या हैं. तो एक पॉसिबिलिटी मुझे ये समझ आती है, नंबर 1, जो मुझे बड़ा ऑब्वियस लगता है, कि आपका दोनों पेपर पार्ट 1 और पार्ट 2 में डिवाइड कर देंगे वो एज पर सिलेबस. पार्ट 1 100 नंबर का आएगा और पार्ट 2 100 नंबर का आएगा. पेपर एक ही होगा एक ही दिन में, है ना. आप लगा के चलिए कि सपोज चार क्वेश्चन यहां आ गए, चार पार्ट्स हैं, और पांच क्वेश्चन यहां आ गए, पांच पार्ट्स हैं, है ना. तो यहाँ पे अगर चार क्वेश्चन ये आ रहे हैं तो एवरी पार्ट को रफली 25 नंबर का पेपर आ रहा है, और यहाँ पे एवरी पार्ट का 20 नंबर का आ रहा है. इसमें थोड़ी बहुत वेरिएशन हो सकती है ना.
तो आइडिया इसकी आप इस तरह से माइंडसेट लेके चल सकते हैं कि अब नंबरों की वेटेज ज़्यादा होगी, और यहाँ अज्यूम आप ये कर सकते हैं कि उसी तरह के तीन तरह के ग्रेडेशन क्वेश्चंस की होंगी, ठीक है ना। एक तो ये पॉसिबिलिटी बनती है। सेकंड पॉसिबिलिटी ये बनती है कि आपको एक क्वेश्चन वो कंपलसरी दे दें जो करना ही करना है, एक क्वेश्चन एक तरह से कंपलसरी, मतलब फर्स्ट क्वेश्चन एक कॉमन पार्ट दे दें, मे बी ऐसा कुछ करें वो, और उसके बाद पार्ट वन और पार्ट टू दे, पार्ट वन और पार्ट टू दे। ये इस तरह का पैटर्न वो ऑप्शनल में फॉलो करते थे पहले, कि एक क्वेश्चन पहला कंपलसरी हो गया और पार्ट वन पार्ट टू। लेकिन उस केस में बहुत सारी चॉइस थी, इस वजह से ये था। लेकिन जीएस में अभी तक कोई चॉइस का ट्रेंड नहीं है, एचसीएस में आपको सारे ही क्वेश्चन करने होते हैं। तो इस बार भी हम ये जूम करके चलेंगे कि चॉइस नहीं है, तो मेरे को ये इसकी पॉसिबिलिटी इस पैटर्न की कम लगती है, हाँ, लेकिन इसकी सबसे ज़्यादा लगती है। और तीसरी एक पॉसिबिलिटी ये है, हो सकता है वो पेपर वन पेपर टू अलग करें कि दो पेपर कर दें जीएस के, जिसकी पॉसिबिलिटी अगेन कम लग रही है। अभी तक ऐसी कोई न्यूज़ आई नहीं है कि पेपर वन पेपर टू दो करेंगे वो। और सिलेबस में भी पेपर वन और पेपर टू मेंशन नहीं है, पार्ट वन पार्ट टू मेंशनड है, तो उससे भी इंडिकेशन मिलती है कि पेपर एक ही होगा और वो प्राइमरीली इस पैटर्न पे बेस किया जा सकता है। अब मेरे से आप आगे पूछेंगे कि आगे ये 25 नंबरों की आगे क्लासिफिकेशन क्या होगी। देखिए, पहले वो अगर वो 200 वर्ड में पूछ रहे हैं और 125 में पूछ रहे हैं और 40 में पूछ रहे हैं, टाइम 3 घंटे ही है। इसके 7 नंबर थे, इसके 4 नंबर थे, इसके 2 नंबर थे, ठीक है। तो अब मैं क्या अज्यूम करूंगा कि अगर ये 250 वर्ड का था, मे बी अब 200 वर्ड का था, 250 कर दें और इसके नंबर कर दें 15 या 10 कर दें, ये अब डिपेंड करेगा, आई कांट से 10 कर दें इसका। और ये जो 4 नंबर का क्वेश्चन है, इस 125 वर्ड को 150 वर्ड कर दें और इसको कर दें 6 क्वेश्चन 6 नंबर, 10 और 6 16। और उसके बाद ये जो 40 वर्ड के थे, इसमें 4 आते थे, 4 की जगह बढ़ा दें, है ना, बढ़ा दें इसको, 2 2 नंबर का क्वेश्चन कर दें और ये 2 की जगह, मतलब ये सपोज ये 5 नंबर का कर दिया तो यहाँ पे ये आपका 2 और 5 5 क्वेश्चन कर दें 10 नंबर का, ये पूछ लें तो 10 और 10 20 और 5 25, तो 25 नंबर का एक क्वेश्चन हो गया। तो बड़ा एक क्वेश्चन सपोज हिस्ट्री का पूछ रहे हैं तो एक बड़ा क्वेश्चन हिस्ट्री का पूछेंगे, एक क्वेश्चन पूछेंगे 150 वर्ड में 5 नंबर का, और 5 क्वेश्चन पूछेंगे 2 2 नंबर के 40 वर्ड में लिखने के लिए, या उसको 50 वर्ड कर देंगे। इससे ज़्यादा कुछ बहुत ज़्यादा वेरिएशन संभव नहीं है, क्योंकि टाइम तो उतना ही है। चाहे 100 नंबर का पेपर था, लेकिन जो वर्ड्स बच्चा लिख रहा था वो तो उतना ही लिख रहा था ना, 3 घंटे के बराबर ही। तो अब भी 3 घंटे का अगर पेपर हुआ तो वर्ड्स में थोड़ी बहुत फिर आगे पीछे होगा बस, और नंबर बढ़ जाएंगे, मार्क्स बढ़ जाएंगे, राइट। और इस बार मैं एक्सपेक्ट ये कर रहा हूँ कि हर पार्ट को ट्रीटमेंट दी जाएगी अलग से और हर पार्ट पे एक क्वेश्चन आएगा। लेकिन अगर प्रीवियस से ट्रेंड देखें तो जो ये क्वेश्चन आते थे, जब मैं जैसे कह रहा हूँ पार्ट वन में ये 4 क्वेश्चन, तो मिक्स क्वेश्चन आ रहे हैं, कोई एक ही क्वेश्चन के अंदर साइंस का भी है, ज्योग्राफी का भी है, इकोनॉमी का भी है, मतलब सब एक खिचड़ी टाइप आ रहे थे। तो जो नॉर्मली जो ना कभी यूपीएससी में होता है ना किसी जनरली और स्टेट सिविल सर्विस में हमारे को देखने को मिलता है कि इतनी ज़्यादा मिक्सचर हो। तो अभी मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि एक इंटेलिजेंटली हिस्ट्री का है तो हिस्ट्री का क्वेश्चन आएगा, एक पॉलिटी का क्वेश्चन 25 नंबर का आ गया जिसमें ये सारे पार्ट होंगे, और एक ज्योग्राफी पे आ गया, ऐसे ऐसे अलग अलग इंटेलिजेंटली पार्ट होंगे एंड नीट एंड क्लीन पेपर आएगा। तो आप भी अपनी तैयारी जब कर रहे हैं तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि यार ये इस तरह के क्वेश्चन पेपर में आते हैं, तो ये लेके चलना पड़ेगा, ठीक है। सो कोई भी क्वेश्चन आपको इसके रिगार्डिंग आपको पूछना है तो अपने कमेंट में डाल सकते हैं आप, ठीक है। और जैसे हमें इस पर कुछ अपडेट मिलेगा कि किस तरह का पैटर्न आ सकता है, तो हम आपको और भी आगे अपडेट करेंगे, और यू कैन ऑलवेज स्टे इन टच, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।